ग्राम प्रधान भुसवल विनय कुमार सिंह की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बार बार फरार हो रहे प्रेमी युगल का थाने पर कराया गया विवाह। बेलघाट थाना क्षेत्र अपने रिश्तेदारी में आई लड़की सन्नो पुत्री जिलेदार ग्राम बढ़िया पर थाना सिकरीगंज की रहने वाली है, जिसका प्रेम संबंध दीपक पुत्र हरिशरण भीलवाड़ा डी थाना उरवा बाजार के साथ पिछले कई दिनों से चल रहा था। जब इसकी सूचना परिवार वालों को हुई तो दोनों पक्ष के परिवार वाले पहले शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद प्रेमी युगल फरार हो गए। फिर खोजबीन के बाद दोनों को अपने अपने घर भेज दिया गया था। कुछ दिन ही बीते थे कि प्रेमी युगल फिर फरार हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर दिया गया। फिर स्थानीय पुलिस की सहायता से दोनों पक्षों को खोज लिया गया। इसके बाद जब फरार हुए तो थानाध्यक्ष गौरव कनौजिया ने दोनों पक्षों को बुलाया और समझाए बुझाए। उसके बाद लड़की के परिजन रिश्तेदार भी थाने पर पहुंचे और पता चला कि लड़का और लड़की दोनों बालिक हैं और एक ही जाति के हैं। दोनों का थाने के बगल में स्थित मंदिर पर हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया। पट्टे की भूमि पर कब्जा पाने के लिए महिला ने लगाई उपजिलाधिकारी से गुहार। ग्राम भलुआ निवासी महिला स्वरूपि ने बताया कि पट्टे की जमीन पर उसका कब्जा आज तक नहीं बन पाया है। पिछले 4 से 5 साल से तहसील का चक्कर लगा रही है और अभी तक उसको उसकी भूमि पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वो तहसील का रोजाना चक्कर लगा रही है। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ की रहने वाली है? जगदीशपुर भगवान। क्या मामला है आपका? अवैध कब्जा है, जमीनी समस्या है, पट्टा वाली भूमि है, उस पर हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। कितने दिन से आप दौड़ रही हैं? हो गया 4-5 साल। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? अरे मुख्यमंत्री पोर्टल तक आदेश भी हो गया है। अब तक कोई कार्रवाई? कार्रवाई यही कब्जा बेदखल नहीं किया है, उन लोगों को बेदखल कराने की कृपया किया जाए। पट्टे टी रक्षा बंधन को लेके बाजारों में चमक देखने को मिल रही है। बाज और तहसील मुख्यालय का यह दृश्य है, जहाँ पे दुकानों पर राखी को सजाया गया है। बताते चले कि राखी का पर्व आ गया है, जिसके चलते बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। बातचीत करने पे दुकानदार ने बताया मार्च रुपये से लेके लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में तरह तरह की राखियाँ आई है मार्केट में, जिसको लेने के लिए लोग काफी उत्साहित दिख रहा है। बताया जा रहा है कि छोटे से तस्मे में भी 200-250 रुपए की राखियाँ मार्केट में। क्या नाम है? चिंटू। कितने रुपए से राखी शुरू है? राखी शुरुआत भी है, हम लोग मैक्सिमम रेट 5 रुपए से लगा है। मैक्सिमम कम से कम 150-200 तक की राखी मिल जाएगी। क्या त्योहारों पे अच्छा भीड़ देखने को मिलेगा यहाँ का भैया? जैसे यहाँ का मार्केट बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत। रक्षा बंधन को लेके बाजारों में चमक देखने को मिल रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव देखते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा गांव-गांव में नलों को तिरंगा के कलर का कराया जा रहा है, जिससे लोगों को आज़ादी के महोत्सव का ज्ञात हो सके। हर घर तिरंगा फैलाने का संकल्प लिया गया है। यह नज़ारा भौआ पाठ में स्थित प्राथमिक विद्यालय का हैंडपम्प का है, जहाँ पे उस तिरंगाई को तय कराई जा रही। इस संबंध में DPRO हिमांशु सेठन ने बताया कि जिले में लगभग 6000 नलों तो तिरंगे के कलर से रना जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा लगभग 6000 हैंडपम्प को तिरंगे के रंग से रंगा जा रहा है, उसमें चक्र नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए इस रंग से रंगा जा रहा है ताकि लोग जो है हैंडपम्प या आसपास तिरंगा को देख करके रंग को देख करके प्रेरित हों और जो झंडा हर घर फहराने का जो सरकार का जो लक्ष्य है आज़ादी का महोत्सव में वो पूरा हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव हाई रिस्क पेशेंटों को देखने की सुविधा है। पांचों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला सर्जन डॉक्टर विजय लक्ष्मी घोष ने बताया कि हाई रिस्क वाले पेशेंट महिलाओं को भी देखने की सुविधा है। हम लोग TGMC में इसी तरह की महिलाओं को देखते थे और ऑपरेशन करते थे। ऐसे में हमारी पोस्टिंग जब से यहाँ पे हुई है, तब से हर प्रकार की महिला संबंधी बीमारियों के लिए हम लोग मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। आप लोग हैंडल कर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिससे हम लोग को इसीलिए KGMC में भेजा गया था। जैसे हाई रिस्क केस, नॉर्मल केस तो है ही है, उसके साथ साथ जो हाई रिस्क केस उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए सही ढंग से उनको रास्ता दिखाना और उसी के आधार पे हम लोग काम कर रहे। जैसे ये पेरीफेरी में जो लोग सफर
बहुत डर है, कम से कम उसके लिए जान का खतरा ना बने और बेहतर हम लोग हाई रिस्क पेशेंट को। प्रकाशन डोज का हुआ शुभारंभ गोला गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए कोविड प्रकाशन डोज के आह्वान के तहत आज चिल्लुपार विधायक राजेश त्रिपाठी द्वारा बड़हलगंज सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा, कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, बल्कि अब तेजी से पांव पसारना भी शुरू कर दिया है, जिसका एक एक ही उपाय है और बचाव है। इसीलिए जिन लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं, उन्हें प्रिकॉशन वाला डोज बूस्टर के रूप में तीसरा भी लगवा लेना चाहिए। इस मौके पर शिवाजी सिंह, रामजी वर्मा, राजीव पांडे, गोपाल यादव, रवि अग्रवाल, यतीन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजकुमार भारती, संजय यादव, सुग्रीव सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, आशीष सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5 इंच चड्ढा मूवी टोले के पूरे देश में देख रहा है जबरदस्त विरोध। भाजपा तहसील मुख्यालय पर भी 5 इंच चड्ढा मूवी टोले पर काफी विरोध दिख रहा है। लोग अपने फेसबुक वॉल से तरह तरह की बातों को लेकर इस पिक्चर का बाईपास करने की अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार एक गाड़ी का वीडियो सोशल साइट पे इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पिक्चर न देने देखने की अपील की गई है, जो लेकर काफी चर्चा में है। लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हीरो जिसको जीरो से हमारे देश ने हीरो बनाया, हमने कभी ये नहीं देखा कि यार वो किस जात का है, किस धर्म का है, हमने उसे सिर्फ कलाकार माना। लेकिन जब वो शीर्ष पे पहुंच गया तो उसने हमारे देश को बदनाम करा। ये बोला कि भारत को इस देश में डर लगता है। अरे आमिर खान, डर तो हमको लगता है जब हमारे घर वाले कश्मीर जाते हैं, डर तो हमको लगता है जब कन्हैया कुमार की गला काट दिया जाता है, हमें डर लगता है, डर तेरे को क्यों। महामारी से बचाव के लिए बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं, डॉक्टर बिंदेश पासवान, कौड़ीराम गोरखपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम में बूस्टर डोज कोविड टीकाकरण का शुभारंभ बांस गांव के विधायक डॉक्टर बिंदेश पासवान एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मोहिता पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर बिंदेश पासवान ने कहा कि सभी लोग बूस्टर डोज अवश्य ही लगवाएं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य विशाल ध्वज सिंह, खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार शिवहरे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैभव शाही, ऑनरेरी डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलाव में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार शुक्ला एवं प्रधान मुकुंद नारायण सेवक पांडे ने संयुक्त रूप से की। जांच कमेटी के समक्ष जमकर हुई मारपीट, जांच छोड़कर फरार हुए अधिकारी। बास गांव के लमती निवासी रवि तिवारी ने पूर्व प्रधान के घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर किए थे। उस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी गठित किए, जिसमें जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, सिंचाई विभाग के लघु अभियंता काशी प्रसाद, सेक्रेटरी पवन शुक्ला पंचायत भवन पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू किए थे कि अचानक शिकायतकर्ता रवि तिवारी व राजेश मिश्रा पूर्व प्रधान आपस में गाली गलौज करते मारपीट पर उतर गए और जमकर मारपीट होता देख अधिकारी अपनी डायरी समेटे और फरार हो गए। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।